आदिवासियों में बढ़ते धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी संगठन भी मुखर होने लगे हैं। एक तरफ आदिवासी संगठन धर्मांतरण रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा डीलिस्टिंग महाअभियान का भी शंखनाद किया जा चुका है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। धर्मांतरण के खिलाफ मुखर आदिवासी संगठन, हजारों आदिवासियों का भोपाल में लगा जमावड़ा। भोपाल में जनजाति गर्जना डीलिस्टिंग महारैली, 40 जिलों से राजधानी पहुंचकर भरी हुंकार। धर्मांतरितों को आरक्षण नहीं देने की मांग। जनजाति सुरक्षा मंच मध्य प्रदेश के बैनर तले जनजाति गर्जना डीलिस्टिंग महारैली और आम सभा का आयोजन राजधानी के भेल दशहरा मैदान पर किया गया। आयोजन में प्रदेश के 40 जिलों से आए हजारों जनजाति समुदाय के लोगों ने हिस्सा लेकर डीलिस्टिंग के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। महारैली में पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइके, प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह सहित कई संगठन के लोग मौजूद रहे। जनजाति गर्जना डीलिस्टिंग महारैली के आयोजकों ने बताया कि धर्मांतरण करने वाले आदिवासी दोहरी सुविधा ले रहे हैं, इसीलिए उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सामान्य आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। डबल फायदा ले रहे हैं, तो इसलिए जो आदिवासी हो के भी उनको दूसरा धर्म निभाना वो गलत है, और हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डबल फायदा ले रहे बिल्कुल दूसरी चीज ये, कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है, आपको क्या कैसा लग रहा है? जो हमारे पूरे भारत देश में 700 प्रकार के जनजाति समाज के लोग रहते हैं, उनकी परंपरा रीति रिवाज प्रथा पूजा पद्धति विशिष्ट है। इस कारण अनुच्छेद 342 में विशिष्ट पहचान के कारण अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 342 में उनको रिजर्वेशन दिया गया है अनुसूचित जनजाति का। कई हमारे जनजाति समाज के लोग जो अपने परंपरा रीति रिवाज प्रथाओं को छोड़ दिया है, यानी कि ईसा धर्म को मान लिए हैं या मुस्लिम धर्म को मान लिए हैं, और जब उस पर धर्म परिवर्तन हो जाता है तो अपने संस्कृति से वो अलग हो जाता है और समाज से भी अलग हो जाता है। तो इस मांग को लेकर कि जो जनजाति समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग जो धर्मांतरित हुए हैं, उनको आरक्षण ना मिले। इस प्रकार से जो धर्मांतरित लोग हैं, जो हमारे ओरिजिनल जो ट्राइब्स हैं, ओरिजिनल अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके नौकरियां वो लोग कर रहे हैं, जबकि समाज ने, अलग अलग समाज ने जब धर्मांतरित हो जाता है तो पहले से ही समाज के लोग उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, यानी डिलिस्ट कर दिया जाता है। तो यह जो मांग है हमारी कि अनुच्छेद 342 में, जैसा कि अनुच्छेद 341 में SC समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है और जब ईसाई या मुस्लिम बन जाते तो उनको आरक्षण नहीं मिलता, इसी प्रकार अनुच्छेद 342 में ऐसा संशोधन करके जो ईसाई या मुस्लिम होगा उनको आरक्षण ना मिले। इस मांग को लेकर प्रदेश भर के हमारे आदिवासी समाज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रैली में आदिवासियों के धर्मांतरण पर आने वाले वक्त में और भी संग्राम छिड़ने की संभावना है, क्योंकि सुविधाएं जुटाने के नाम पर अब इसी वर्ग के दो खेमे आमने सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।